लखनऊ का पंतनगर याद है आपको, अभी कुछ दिन पहले वहाँ के लोगों को अपने घरों पर बुलडोजर चलने का डर सता रहा था, लेकिन कुछ समय बाद सीएम योगी ने स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा दिला दिया कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन हर कोई पंतनगर के लोगों की तरह लकी नहीं होता। आए दिन हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं कि प्रशासन घरों को अवैध बताकर उन पर बुलडोजर चला देता है। वहीं इन घरों में रहने वाले लोगों का ये दावा होता है कि वो इन घरों में दशकों से रह रहे हैं और उनके पास घर की रजिस्ट्री है, वो वाटर और हाउस टैक्स भी जमा कर रहे हैं, तो फिर उनका मकान अवैध कैसे हो सकता है? वैसे इस पॉइंट पे दम तो है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रशासन किसी घर को अवैध घोषित कर उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है, तो उस केस में मालिक के पास अपने घर को टूटने से बचाने के लिए क्या रास्ते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अनंत राम कुशवाहा से। हमारा पहला सवाल है कि क्या मकान की रजिस्ट्री होने और हाउस टैक्स जमा होने के बावजूद वो अवैध हो सकता है? इसका जवाब देते हुए वकील अनंत राम कुशवाहा ने हमें बताया, जी हाँ, अगर किसी भी मकान की रजिस्ट्री हुई है और वो हाउस टैक्स दे रहा है तो इससे नहीं कहा जा सकता है कि उसका मकान वैध ही है। जब तक कि उस जमीन पर जो मकान निर्मित है, जहां पर जब तक कि उस जमीन का स्वामित्व जो है वो मकान मालिक के नाम ना हो, तब तक जो है वो जो सही रूप से उसका मूल मालिक नहीं कहा जा सकता और वो अवैध है, वो उसको गिराया भी जा सकता है। रजिस्ट्री कराना एक अलग बात है। जो रजिस्ट्री आप कराते हैं वो भवन का कराते हैं, मकान का कराते हैं। अगर भवन का, मकान का आपने रजिस्ट्री कराया है तो भवन के आप मालिक हैं, लेकिन उस जमीन के आप मालिक नहीं है, उसका मालिकाना हक आपको नहीं है और ऐसी स्थिति में आप अवैध कहलाते हैं। इसके बाद हमने वकील साहब से अगला सवाल किया कि और किन किन परिस्थितियों में मकान को अवैध करार दिया जाता है। बिल्कुल, जमीन का नेचर देखा जाता है कि वो आवासीय है, कृषि है, नजूल है, या किस पर्पज के लिए वो जमीन है जिस पर आपने भवन बनाया है। और अगर नगर में है तो निश्चित तौर से नगर नियोजन अधिनियम के तहत उस पर एक निश्चित एरिया के बाद उसका मैप पास होना चाहिए, एक निश्चित एरिया तक की छूट है। अगर उस छूट के इतर उस मकान को बनाया गया है, निर्माण किया गया है और उसका मकान का भवन का नक्शा नहीं पारित कराया गया है तो भी वह मकान अवैध रूप से बना गया कहा जाएगा। अब सबसे अहम सवाल की बारी, अगर प्रशासन किसी मकान को अवैध घोषित कर देता है, ऐसे में उस मकान मालिक के पास अपने घर को टूटने से बचाने के लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, घर को टूटने से बचाने के लिए पहली चीज तो है कि जिस आराजी पर मकान बना हुआ है उस आराजी का मकान निर्माण करता उसका मालिक हो। दूसरी चीज, जो भवन का निर्माण किया गया है वो निर्माण वहां के नगर निगम से, वहां के जो विकास प्राधिकरण है उससे उसका मैप पास हो, और जो मैप पास है उसके अनुरूप भवन का निर्माण किया गया हो, और जो उसके अपने जो लोकल टैक्सेज हैं, गृह कर, सीवेज कर इत्यादि सब वो समय समय पर जमा होते रहे, ऐसी स्थिति में वो पूर्ण रूप से वैध मकान कहलाएगा और वो किसी भी तरीके से तोड़ने का या गिराने का कोई किसी को अधिकार नहीं। एक और सवाल ये कि किसी मकान को अवैध घोषित किए जाने के मामले की सुनवाई कहाँ होती है? इसका जवाब देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अनंत राम कुशवाहा ने हमें बताया, जिस विभाग ने मकान को अवैध घोषित किया है उस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी विभाग अध्यक्ष के पास मकान मालिक अपने सभी दस्तावेजों के साथ जाएं। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है या मकान मालिक को वहां की सुनवाई या और कार्यवाही से संतुष्टि नहीं मिली है तो ऐसे में उस इलाके के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दी जा सकती है। इसलिए अगर आप नया घर खरीदने वाले हैं तो उस घर के साथ साथ उस जमीन की रजिस्ट्री भी कराना मत भूलिएगा, क्योंकि सालों की मेहनत, खून पसीने और जीवन भर की कमाई लगाकर एक मकान तैयार होता है और ये ईंट पत्थर से चिनी हुई दीवारें महज एक इमारत नहीं बल्कि इसमें रहने वाले लोगों की एक दुनिया है। और इस छोटी सी दुनिया को बचाने के लिए कानून आपको क्या अधिकार देता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Oh, 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 oh